हाँ जी, राम राम जी। और कैसे हैं आप सभी? तो मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज है मंगलवार और बज रहे हैं अभी शाम के 4:30। तो ये देखिए, मैंने सार्थक को यहाँ पे डोली में रख दिया है और अब ना मैं उसको बिठाने लग गई हूँ। इधर उधर से जैसे चीज़ें सपोर्ट में लगा के ना, कंबल वगैरह लगा के, और इसको बिठाना शुरू कर दिया है मैंने। और साथ में मैं कर रही हूँ देखिए खाना बनाने की तैयारी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ भिंडी। तो फ्रेंड्स, अभी ना मैंने यहाँ पे वॉइस ओवर किया है क्योंकि पीछे से ना बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, और हमारे घर में घर का काम चला हुआ है तो टाइल्स वगैरह कटने की आवाज़ आती रहती है। तो ये देखिए, यहाँ पे भिंडी को हम ना बीच से स्लिट कर लेना है हमें, मतलब पूरा नहीं काटना है इसको, थोड़ा सा इसमें हमें एक चीरा लगाना है और बस इस तरह से इसको रखना है जैसे हम करेले के लिए करते हैं ना, जैसे भरवा करेले बनाते हैं तो उसमें हम एक साइड से लगाते हैं। तो ये देखिए, कुछ मैंने पहले करके रख ली थी और बाकी की मैं अब कर रही हूँ। देखिए इस तरह से लगाना है हमें कि इसमें हम स्टफिंग भर सकें। और साथ में ये ध्यान रखना है आपको कि जो भिंडी है आपकी वो अच्छे से सूखी होनी चाहिए, मतलब आपने काफ़ी टाइम पहले धोई हुई होनी चाहिए, या फिर आप उसको एक कॉटन के कपड़े से पोंछ लें। तो ये देखिए, यहाँ पे स्टफिंग के लिए मैंने कुछ बारीक प्याज काट के रख लिए हैं और अब करते हैं हम स्टफिंग की तैयारी। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं ना, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ये देखिए, एक पैन मैंने ले लिया है और उसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। कुकिंग ऑयल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप मस्टर्ड ऑयल में बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन कोई भी ले सकते हैं आप। तो देखिए, सबसे पहले 1 चम्मच मैंने इसमें जीरा डाला है, क्यूमिन सीड्स। तो अभी उसके बाद मैं यहाँ पे प्याज इसमें डाल रही हूँ, अनियन। तो इसको हमने थोड़ा सा बस ऐसे ही भूनना है कि ट्रांसपेरेंट सा हो जाए, ये बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है हमें इसको। और इसकी स्टफिंग के लिए ना इसमें प्याज का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो साथ में इसमें डाल रही हूँ मैं लहसुन का, मैंने जो पाउडर बना के रखा हुआ था ना, मैंने आपके साथ वीडियो शेयर करी हुई है इसकी। तो ये देखिए, मैंने एक डब्बे में भर के रखा हुआ है। तो यहाँ पे 1 चम्मच मैंने डाल दिया है लहसुन का पाउडर भी, और बस बाकी जो हमारे कॉमन मसाले हैं वही हम इसमें डालेंगे, जो हमारे मिर्च होती है, हल्दी होती है और धनिया होता है, बस वही सारी चीज़ें इसमें डालेंगी। तो बस इसको हमने कर लिया। और देखिए, अभी मेरे पास है 1 कटोरी में बेसन, तो अभी मैं इसमें बेसन डाल रही हूँ। तो पहले 2 चम्मच डाल लूँगी मैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो मुझे कम लग रही थी थोड़ी स्टफिंग ये, और उसके बाद मैंने इसमें 2 चम्मच और डाल दिए, मतलब मैं टोटल 4 चम्मच लेके आई थी। तो उसके बाद मैंने बाकी सारा बेसन इसमें डाल दिया था। तो इससे बेसन से पता क्या होता है, जब ये भूनता है ना तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और जो हम भिंडी बनाते हैं ना उसमें इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आने वाला है। तो बस यहाँ पे इसको हमें थोड़ा सा भूनना है, बहुत ही ज़्यादा भी नहीं भूनेंगे हम इसको। तो देखिए, बस इसको 2 मिनट, लगभग 2 मिनट में ये भून के तैयार हो गया था। तो आज ना मैंने कुकिंग की वीडियो डाली है क्योंकि कुछ मेरे सब्सक्राइबर हैं जो कुकिंग देखना भी पसंद करते हैं, तो बीच बीच में मैं कभी कुकिंग की वीडियो भी डाल देती हूँ। और कुछ हैं जो विलेज लाइफ देखना चाहते हैं, कुछ चैलेंजेस वीडियो देखना चाहते हैं। तो अभी देखिए, ये देखिए मैंने निकाल के साइड में रख लिया था ना, हमारे अच्छे से भुन गया था बेसन। और अब देखिए, 1 नींबू का रस मैंने निकाला हुआ है और वो मैंने इसमें डाल दिया है क्योंकि ये बहुत सूखा सूखा सा लग रहा था, और इस तरह से पाउडरी हम ये भिंडी के अंदर नहीं डाल सकते। लेकिन हमने जो इसमें नींबू का रस डाला है ना, इससे 2 कारण होंगे। एक तो जो इसमें भिंडी में वो निकलता है ना इसका, एक थोड़ा जिससे ये थोड़ी चिपचिपी सी होती है वो नहीं निकलेगा खटाई से, और इसका ना खट्टा तीखा सा बहुत अच्छा टेस्ट आने वाला है भिंडी में। तो बस अभी देखिए, हमारी स्टफिंग हो चुकी है तैयार और अभी मैं इसको भिंडी में डाल रही हूँ। तो आप अच्छे से इसको भर भर के इसमें डालें, और अच्छे से आप डाल के इस तरह से, देखिए मैं आपको थोड़ा नज़दीक से दिखा देती हूँ, और ये देखिए इस तरह से आपको डालनी है। तो सारी की सारी मैं इस तरह से डाल के रख लेती हूँ, और उसके बाद हम इसको करेंगे फ्राई। फ्राई भी हम इसको इतना ज़्यादा डीप ऑयल में नहीं करेंगे फ्राई, बस थोड़ा सा ऐसे ही।
तो ये देखिए सेम पैन में मैंने फिर से ले लिया है मस्टर्ड ऑयल और अभी मैं इसमें डाल रही हूँ इन भिंडियों को। तो आप इसको फ्राई करने के लिए ना थोड़ा चौड़ा बर्तन ही ले, जो ज़्यादा फ्लैट सरफेस उसका ज़्यादा हो वो लें, तो इससे आपकी अच्छे से होंगी भिंडियाँ फ्राई। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट मैंने इनको मीडियम टू लो फ्लेम पे ही पकाया है और अभी मैं इसको पलटने लग गई थी यहाँ पे, लेकिन मुझसे ये एक हाथ से नहीं हो पा रहा था क्योंकि साथ में मेरा बेटा जो है ना सार्थक वो रो रहा था, तो उसको मैंने गोद में उठाया हुआ है। तो ये देखिए इस तरह से भी आप पलट सकते हैं इसको ना पैन में, और देखिए ये पलट चुकी हैं भिंडी। मैं आपको थोड़ा नज़दीक से दिखा देती हूँ, देखिए जो सिका हुआ हिस्सा है वो ऊपर आ चुका है और जो कच्चा हिस्सा है वो नीचे जा चुका है। तो अब मैं इसको ढक्कन लगा के पकाऊंगी क्योंकि मेरे घर में जो है बुज़ुर्ग भी हैं, तो बहुत ज़्यादा कड़क अगर ये हो जाएगी ना तो फिर उनको खाने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। वैसे तो ये क्रिस्पी क्रिस्पी बहुत ही अच्छी लगती है। तो बस देखिए जो पक गई हैं उनको मैंने निकाल दिया है और जो दूसरे बैच वाली मेरी बच गई थी दोबारा से मैंने लगा दी हैं। तो बस इनको भी इसी प्रोसेस से मैं पकाऊंगी और हमारी मसाला भिंडी भरवा भिंडी बनके बिल्कुल तैयार है। तो आप भी इस तरह से भिंडी बना सकते हैं और रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो कोई भी मेरे चैनल पे नए हैं ना तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती हूँ आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और मुझे तो भिंडी देख के मुँह में पानी आ रहा है। तो बाय बाय।